So it's a high time for interview. It's for any university. But you are getting a calls for interview. You are preparing for the interview through various means. Like it may be through research proposal. It may be through presentation mode. Or it may be online in some cases. But the problem is that. Ki hum interview mein perform correct So that our, our interview will be best and high chance for selection. So we'll discuss about मेजर टिप्स एंड ट्रिक जो इंटरव्यू में आपको फॉलो करना है जिससे आपके चांसेस सेलेक्शन के बहुत ही हाई हो सकते हैं सो बेसिकली आई हैव डिवाइडेड इंटरव्यू इन दीज एट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको अभी सारे सेक्शन नहीं दिख रहे होंगे बट अभी सब देखेंगे और उसके बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या है ये इंटरव्यू और कैसे आपको टैकल करना है कोई भी लेवल का इंटरव्यू इट कैन बी एडमिशन इंटरव्यू इट कैन बी अ जॉब इंटरव्यू और पोस्ट डॉग और एनी अदर इंटरव्यू करेक्ट सो नाउ यू कैन सी द मेजर फोर हैडिंग्स अंडर विच आर डिस्कशन विल फॉल लाइक द वेरी फर्स्ट द रिसर्च प्रपोजल दिस इज ओनली फॉर द केस वेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द पी एच डी एडमिशन इंटरव्यू करेक्ट एंट्रेंस एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए होगा सेकेंड इज द एकेडमिक बैकग्राउंड सबके लिए काम आएगा नॉलेज ऑफ द प्रोग्राम सब के लिए काम आएगा बेसिकली फॉर द प्रोग्राम स्पेशली इट कैन बी अ पी एच डी उट कैन बी अदर प्रोग्राम प्रोफेशनलिज्म सब, सब जगह काम आने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स मोटिवेशन एंड पैशन टीम वर्क एंड कलेबरेशन

जे आर एफ बहुत सारे हो चुके हैं आप लोग सिर्फ जे आर एफ पर फोकस करते हो इतने सारे कोचिंग अड्डा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओपन हो चुके हैं जो आपको जे आर एफ की तैयारी करवाते हैं सिर्फ जे आर एफ की तैयारी करवाएंगे और जे आर एफ निकालने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं इज इन डेट और नॉट जस्ट टेल मी फ्रेंकली जे आर एफ निकलवा दिया उसके आगे का मीनिंग ही नहीं बताया यार तुम करोगे क्या इज रियली जे आर एफ इज फॉर यू और नॉट जे आर एफ निकालिए नेट निकालिए आपको लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है बट जब बेसिकली रिसर्च के अंदर एंटर करते हो सो इट इज ऑलवेज दिस जे आर एफ दिस पी एच डी इज नॉट फॉर यू सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर मेड फॉर द रिसर्च और नॉट इफ येस देन यू हैव टू ड्राफ्ट योर रिसर्च प्रपोजल बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर नाउ जस्ट चेकिंग वेदर यू आर फिट फॉर द पी एच डी और नॉट जे आर एफ निकालना इज नॉट द क्राइटेरिया तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल अच्छा बना के ले जा रहे हो ओनली इफ यू हैव सम गुड रिसर्च इंटरेस्ट और एक फिजिबल प्रोजेक्ट आप बना पा रहे हो दैन ओनली यू कैन अपियर इन अ इंटरव्यू एंड यू कैन ओनली क्लियर दैट इंटरव्यू सो यू हैव टू डिमोन्स्ट्रेट अ वेरी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एक्जिस्टिंग लिटरेचर एंड साइड बाय साइड यू हैव टू हाईलाइट द नोवेलिटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ योर द प्रपोज रिसर्च मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि योर रिसर्च प्रपोजल मस्ट बी वेरी सॉलिड वेरी यूनिक एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रोंग कमांड ऑन दैट अगर कमांड नहीं है प्रपोजल बना के ले गए हो दैट इज ऑल वेस्ट अभी हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट मेम्बर्स हैं दे आर हैविंग अ वेरी गुड रिसर्च प्रपोजल नाउ वी आर प्रपेयरिंग दैम जस्ट कि वॉट इज दैट प्रपोजल ये प्रपोजल आपके लिए कैसे फिट है एंड हाउ यू हैव टू फेस द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रपोजल ये बहुत ज़रूरी है सिर्फ सबमिट करना प्रपोजल इज नॉट द स्ट्रांग टास्क बिकॉज इंटरव्यू में वो आपको वहीं पे घुमाएंगे सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग इन दिस सेक्शन देखो इसका कोई सॉल्यूशन कोई कुछ नहीं कर सकता आपके पारा प्रपोजल है योर लिटरेचर मस्ट बी वेरी स्ट्रांग एंड यू मस्ट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च करेक्ट सो दिस इज रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एकेडमिक बैकग्राउंड सी यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू यू होता क्या है जब हम इंटरव्यू में जा सामने जाते हैं ना सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है वी बेसिकली फॉगेट अबाउट आर सेल्फ मेरे साथ तो ऐसा होता था अरोनो इट इज़ विध यू और नॉट बिकॉज हम यही भूल जाते ओ अपना ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितना था अरोनो Uh, uh, ऐसे ऐसे करेंगे अगर एग्जामिनर पूछेगा इंटरव्यूर पूछेगा सो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि बताने के लिए सर हमारा मास्टर्स ईयर मैं ईयर भूल जाता था आई डोंट नो विद यू आर नॉट ग्रेजुएशन इज इन लाइक टू थाउजेंड एंड टू 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 थाउजेंड टू टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड फोर ऐसे अगर ऐसी गलती करोगे सो इट इज़ ऑलवेस्ट यू मस्ट हैव अस्ट्रॉन्ग शो केस स्ट्रॉग अकेडमिक फाउंडेशन बाई डिस्कसिंग रेलिवेंट कोर्सवर्क प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स मतलब आपने टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जितने भी अच्छे अचीवमेंट्स मिले हैं कोई अवार्ड मिला है कोई फेलोशिप मिली है कोई ट्रेनिंग की है ये आपको टिप पे होना चाहिए अगर इंटरव्यू पैनल ने मौका भी दिया तो आपको सीधे चौका मारना है गलती नहीं करनी है तुरंत बोलना है वो पॉइंट करेक्ट बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा सो यू मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन एनी गैप्स और अनयूजल आस्पेक्ट्स ऑफ योर एकेडमिक हिस्ट्री दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड टाइम में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं वर नॉट लाइक अलाउड टू डू प्रोजेक्ट वर्क थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस उनके पास कुछ भी नहीं है So you must be very much prepared. Sakde, ye gap hai, "Why? Uh, what is your dissertation? What do you say? Like this is the gap. You, we don't have the dissertation because of this reason. We are not allowed. But still, sir, I have done a lot of literature search. And this finding, I have get from the current literature. You have an explanation for that. Fine. So academic background must be very strong. इन एनी आस्पेक्ट इन एनी सिचुएशन आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट नॉलेज ऑफ प्रोग्राम सी डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल आप डेली यूनिवर्सिटी के पी एच डी एडमिशन में जा रहे हो फाइन बी एच यू में जा रहे हो फाइन कई बार आई आई टीस के अंदर स्पेशल ड्राइव होता है पी एच डी का है ना कई बार इंटरनेशनल पी एच डी को प्रोग्राम निकलता है आई के अंदर या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कई बार ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स के अंदर दिल लाइक ओपन अप पी एच डी पोजिशन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक न्यूरोलॉजी फॉर सेल कल्चर स्पेसिफिक पोजिशंस सो यू मस्ट नो द प्रोग्राम एंड विच यू आर गोइंग टू एंटर अगर बी एच यू के अंदर किसी प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हो तो वहाँ का पता होना चाहिए फैकल्टी मेम्बर्स के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ वॉट स्पेसिफिक

गिविंग अ पिंच टू द स्टूडेंट विद द सेम पॉइंट विच इज इलिवेंट क्यों करना चाहते हो कहाँ से आए हो अच्छा वहाँ से तो कोई पी एच डी नहीं करता तुम्हारे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे तुम सपोज बिहार से हो अच्छा वहाँ से हो वहाँ से तो कोई पढ़ता ही नहीं है तुम क्यों पढ़ रहे हो सपोज अगर कोई इस तरीके का अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछने लगे या बार बार आपको वही पूछने लगे यू हैव अ वेरी गुड प्रपोजल यू आर अ जे आर एफ स्टूडेंट बट दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन So, you must be very professional. You have to express your gratitude for the opportunities and the follow up with a thank you after the interview. like <laughs> Fine. So, for this, you have to dress professionally and also you have to maintain a positive and a respective attitude towards the panel. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू अच्छा हो बुरा हो डज नॉट मैटर अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आई एम टेलिंग यू ये रिसर्च की फील्ड है आप सपोज डी यू में सलेक्शन नहीं ले पाए आप बी एच यू में सिलेक्शन ले लिए सेम डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल जोलॉजी में बॉटनी में ना हो अगर आप बी एच यू से पी एच डी कर रहे हैं और डी यू के अंदर कोई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एंड यू विजिटेड डी यू

अब आई एग्री विद योर कॉमेंट कि सर हमको नहीं आता बोलना हम एक दिन में नहीं बोल सकते कम्प्लीट आम कम्प्लीटली एग्री इंग्लिश में नहीं आता हिंदी में बोलो बट योर थाट योर आंसर्स मस्ट बी वेरी क्लियर एंड कंसाइजली कहानी नहीं सुनानी है इफ दे आर आस्किंग लाइक कि कैसे आप इसकी टॉक्सिसिटी uh, चेक करोगे यू मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक कहानी मत सुनाना सर उसको हम आइसोलेट करेंगे ना फिर उसके बाद सर उसको हम करेक्टराइज़ करने की कोशिश करेंगे फिर डिपार्टमेंट में देखेंगे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं तो हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं सर बहुत सारे हैं हम देखेंगे कुछ नहीं योर आंसर मस्ट बी वेरी क्लियर सर आई यूज़ एम टी टी एस ए फॉर द सेल साइटोटॉक्सिसिटी दैट्स ऑल फिनिश कोई इधर उधर के आंसर नहीं देने हैं ज़्यादा बोलना इज नॉट गुड फॉर द इंटरव्यू यू हैव टू प्रैक्टिस अ वेरी इफेक्टिव वर्बल एंड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू हैव टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट एंड आई डेमोस्ट्रेटिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यूर आंसर्स कई लोग मैंने मैक्मम लोग देखे इवन माई लाइक एटीट्यूड ड्यूरिंग माई इंटरव्यू वॉज लाइक दैट वो मुझसे पूछ रहे हैं एंड आई एम आंसरिंग लाइक दिस एक्चुअली माई ऑब्जेक्टिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू आइसोलेट दिस करेक्टराइज दिस प्रिजेंट इट कि नहीं नीचे मुझे जरूर कॉमेंट में बताओ कि येस कम्युनिकेशन स्किल्स में आई कॉन्टेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट बट यू मस्ट बी स्ट्रांग इनफ आप आई कॉन्टेक्ट रखोगे हमेशा जो भी आंसर दोगे अगर आप नो no आंसर दे रहे हो ना कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता देन ओनली आपका आई कॉन्टैक्ट टूटना नहीं चाहिए अब सारे लोग मेरे से प्रॉमिस करो जितने भी मेरे रिसर्च फैमिली के मेम्बर हो जहां भी इंटरव्यू देने जाओगे दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर और ये करके आओगे नीचे कमेंट करो सर आई डू इट आई जस्ट वांट योर कमेंट यार आई एम बता, आई एम टेलिंग यू अगर इस चीज में स्ट्रांग नहीं होगे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो इंटरव्यू क्या पी के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे सो जस्ट कॉमेंट सर आई डू इट फाइन चलो मूव ऑन टू द नाइट मोटिवेशन एंड पैशन देखो मोटिवेशन तो मैं तुमको बिल्कुल दे ही चुका हूँ बट टूवर्ड्स योर इंटरव्यू यू मस्ट बी मोटिवेटेड कि नहीं मेरा सब्जेक्ट है मेरा डिपार्टमेंट है एंड दिस इज माई ड्रीम यूनिवर्सिटी आई मस्ट भी सेलेक्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी अंडर दिस प्रोफेसर और अंडर दिस डिपार्टमेंट ओनली सो

दिस इज एन आइडियल कैंडिडेट यार ये मेरे पास पहले क्यों नहीं आया तो चलो नीचे कॉमेंट ये भी करो मोटिवेशन और पैशन दिखा के आओगे इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू कैसा भी हो बिकॉज आज अगर ये पॉइंट सीख लिए ना तो पी एच डी के टाइम पर और पी एच डी के बाद आई कैन गारंटी जो भी जॉब इंटरव्यू दोगे तुम्हारा सेलेक्शन होगा आई एम टेलिंग यू दीज आर द पॉइंट जो नहीं होते लोगों के अंदर एंड यू आर एट द राइट प्लेस सो नीचे जरूर मुझे बताओ सीरियसली तभी मैं मोटिवेट हूंगा और मुझे भी इंस्परेशन मिलेगी कि अब कौन से पॉइंट बच गए इन पॉइंट्स के अलावा करेक्ट दिस आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड चलो टीम वर्क एंड कोलैबरेशन वॉट इज दिस अब कहोगे सर ये क्या आ गया मैं तो मास्टर्स करने के बाद इंटरव्यू देने जा रहा हूं सी अगर आपका कोई टीम वर्क या कोलेबरेशन है

ऐसा दिखाओ अपना डिस्कस हाउ योर रिसर्च फिट्स इन टू द बॉर्डर रिसर्च कम्युनिटीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोलेबरेटिव हो आप माइक्रोबायोलॉजी के हो तो ऐसा नहीं कि आप स्टैटिक्स डिपार्टमेंट से कोलेबोरेट नहीं करोगे आई से कोलेबोरेट नहीं करोगे एग्रीकल्चर से कोलेबोरेट नहीं करोगे सो यू हैव टू शो दैट यू आर अ वेरी गुड इन टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन ओके चलो मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट इंड द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट हो सकता है इतना कुछ एक्सप्लेन करने का आपको टाइम ना मिले बट 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 हो सकता है आप में से ही किसी को पंद्रह मिनट बीस मिनट या आधा घंटा इंटरव्यू पैनल एंटरटेन करे आप सोच लो आप ये सोचोगे कि नहीं यार टाइम तो नहीं मिलेगा वो दो मिनट दे रहे हैं बस तो ये सोच के तैयारी नहीं करोगे सो यू आर आ फूल यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि आपको अगर दो मिनट भी देगा ना सो यू विल एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट सो मैनेज योर टाइम वेरी इफेक्टिवली इन इंटरव्यू एंड अवॉइड लेंथ द रिस्पॉन्सेज मैंने कई बार बोला क्लियर एंड प्रिसाइज आंसर सो दैट यू विल कवर ऑल एसेंशियल पॉइंट्स सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इसको दिमाग में घुमा लो ऐसे ही घूमना चाहिए जब तक जा नहीं रहे हो इंटरव्यू के लिए और जब तक ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और सारे पॉइंट्स याद रहेंगे सो नो बडी कैन स्टॉप यू चलो दिस इज अबाउट कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है सॉलिड रिसर्च प्रपोजल विद सॉलिड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल ना मुझे बताओ कि कंपाइल कंपाइलअप कैसा रहा कैसा रहा मुझे नीचे रेट भी करना बिकॉज आई जस्ट नीड योर फीडबैक योर फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियस टू मी एंड आपकी तैयारी और आपको रजिस्ट्रेशन दिलवाना मेरा काम है बट आई जस्ट नीड योर फीडबैक ट्रू फीडबैक फ्रॉम योर साइड थैंक यू सो मच ब बाय टेक केयर सारी चीज़ें तैयार करो इंटरव्यू क्या ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है एडमिशन इंटरव्यू अभी बहुत इंटरव्यू बाकी हैं सबकी तैयारी मैं बैठा हूँ आपको कराने के लिए चलो बाय बाय टेक केयर